गुड आफ्टरनून फिफ्थ स्टैंडर्ड। कल हमने पेज नंबर 24 देखा और 25 का थोड़ा सा भाग मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ अलग अलग पेड़ के पत्ते दिए हैं आपकी किताब में, पेज नंबर 25। वो कौन सा पत्ता कौन से पेड़ का है? अब आप पेंसिल लो और जो जो मैं बता रही हूँ वैसे आपको वो जो पत्ते हैं उनके नीचे उसका नाम हिंदी मराठी दोनों में लिख के रखना है, ठीक है। ये जो पहला वाला पत्ता है, दिखा आपको क्या करना है? एक पेंसिल से जो मैं बता रही हूँ यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे इसमें, ठीक है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, तो आप बराबर लिख लोगे। पहला जो पत्ता है वो है आम का, उसको मराठी में बोलते हैं आंबा। हिंदी में क्या बोलते हैं? आम, मराठी में आंबा। नंबर दोन, ये दूसरा पत्ता किसका है? पीपल, हिंदी में पीपल, मराठी में पिंपल, मराठी में पिंपल। तीसरा कशाच पान है? कमळाच, मराठीत कमळ, हिंदी में कमल। ळ आणि ल चा फरक आहे। नीम, नीम के पत्ते मराठी मध्ये कडुनिंब किंवा कडुलिंब। त्यानंतर हिंदी में अंगूर, मराठी मध्ये द्राक्ष, हिंदी में अंगूर, मराठी द्राक्ष। खालची लाईन शमी, आपटा। दसरे में ये पत्ते देते हैं ना एक दूसरे को, दो नाम लिखना है, शमी और आपटा। अशोक, हिंदी में भी अशोक ही बोलते हैं, मराठी में भी अशोक बोलते हैं। उसके बाद गुलाब, दोनों हिंदी मराठी में गुलाब। इमली, मराठी में चिंच, हिंदी में इमली। बेल, हिंदी में भी बेल और मराठी में भी बेल। बेल के तीन पत्ते जो हम सोमवार को शिव जी को चढ़ाते हैं वो बेल के पत्ते। केले का, मराठी मध्ये केळ, केला। हिंदी में गुड़हल, मराठी में जासवंद, गुड़हल जासवंद। नारियल, मराठी मध्ये नारळ। तुम्ही पेन्सिलनी लिहून घेतले असतील। पुन्हा एकदा मी सांगते, आता मी तुम्हाला प्रत्येक पान दाखवलंय। आम, आंबा। पीपल, पिंपळ। कमल, कमळ। नीम, कडुलिंब। अंगूर, द्राक्ष। शमी, आपटा। अशोक, अशोक। गुलाब, गुलाब। इमली, चिंच। बेल, बेल। केला, केळ। गुड़हल, जास्वंद। नारियल, नारळ। ठीक है, आज हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो आपका लेसन है, पुनरावर्तन के बाद। अब हमारा यहाँ से पोर्शन चालू हो गया, गांव और शहर, फर्स्ट लेसन, दूसरी इकाई का। अब ये चित्र है, देखो, गांव और शहर की प्रगति, देश की उन्नति। जैसे गांव में सुविधाएं आएंगी, शहर में सुविधाएं आएंगी, वैसे ही अपना देश उन्नति करेगा। ये जो गांव है ये एकदम छोटा सा गांव नहीं है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं आई है, इलेक्ट्रिक बिजली आई है, लोग अच्छे से मकान बनाए हैं लोगों ने, एकदम छोटे छोटे मकान नहीं है, अच्छे से ईंट
ईटों से सीमेंट से बनाए हुए मकान है, लेकिन छोटे हैं, गांव में स्कूल है। तो ये गांव का आपको चित्र वर्णन करना, क्या करोगे आप इसमें, क्या क्या दिख रहा है आपको गांव के चित्र में? एक प्रगतिशील गांव की झांकी हो, ये जो चित्र है वो एक अच्छे गांव का है। एकदम छोटा सा गांव है जिसमें अच्छे मकान नहीं है, कुछ सोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा ये गांव नहीं है। गांव के घर ईंट और सीमेंट से बने हैं, लेकिन छोटे मकान हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, छोटे लेकिन पक्के घर बने हुए हैं। हर एक मकान को उसकी आवश्यकता के अनुसार खिड़कियां दरवाजे बनाए हुए हैं। मकानों पर छत जो होता है उसमें भी रोशनदान बने हुए हैं। आपके यहाँ देखो, मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ, ये जो है ये आपने देखा होगा घर की छत पर, आपके बुक के चित्र में देखो वहां रोशनदान बनाए हैं जिससे रोशनी वो मकान में आती है। छत पे भी रोशनदान बनाते हैं, वैसे यहाँ कुछ लोगों ने रोशनदान बनाए हैं। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है, लग रहा है ये चित्र देखकर आपको लग रहा है कि एक अच्छा स्वच्छ सुंदर गांव है। गांव में एक अच्छा विद्यालय है जहाँ क्या नाम है विद्यालय का, समता विद्यालय। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, है ना, गांव के विद्यालय के प्रांगण में बच्चे खेल रहे हैं और गांव के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। और क्या है देखो, दो महिलाएं कुएं से घड़े में पानी लेकर लौट रही है। यप, लौट रही है क्यों बोला हमने, क्योंकि उनके पीछे कुआ है, उन्होंने पानी ले लिया और अब वो गांव में वापस आ रही है। एक महिला बच्चों को लिए हुए उसे कुछ दिखा रही है, दिखा आपको, दो महिलाएं पानी ला रही है, उनकी बाजू में एक महिला है जो गोदी में उठाए बच्चे को कुछ दिखा रही है। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, दिखा, हाँ। एक लड़का गोलाकार रिंग से खेल रहा है, वो भी आपको दिखा है। एक आदमी खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, उसने वो जैसे मॉडल बनाते हैं छोटे सी जगह पर गांव की, या जो भी आपको दिखाना है वो सबके मॉडल लगा देते, तो पूरी आइडिया आ जाती है कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। वैसे ही ये गांव का जो चित्र बनाया है, अभी गांव में ही खेत थोड़ी होता है, वो तो गांव के बाहर होता है ना खेत, तो लेकिन उन्होंने क्या किया है, सब मॉडल दिखाया है ना, तो वो गांव का जो चित्र है वहां उन्होंने बाजू में खेती भी दिखा दी है। दो बकरियां एक साथ खड़ी है, देखिए आपको घर के सामने दो बकरियां खड़ी है, उससे कुछ दूर बैल खड़ा है, बकरियों से थोड़ा दूर एक बैल भी खड़ा है। मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी है, इसको क्या बोलते हैं बैलगाड़ी, क्योंकि उसको जो खींचते हैं वो कौन सा जानवर होता है, बैल, तो इसलिए उसको बैलगाड़ी बोलते हैं। जो गाड़ी को घोड़ा खींचता है उसको घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, और जो मोटर के सहारे खींची जाती है उसको मोटर गाड़ी या मोटरसाइकिल ऐसे बोलते हैं। मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी है, एक स्त्री कोई चीज सूखने के लिए डाल रही है, लिखा आपको, एक कपड़ा बिछाया हुआ है, कुछ पापड़ या कुछ तो भी हो वहां सूखने के लिए डाल रही है। उसके बाजू में चिड़िया दाना चुग रही है, लिखा, एक औरत एक बच्चे को गोद में उठाए, एक का हाथ पकड़ के कहीं जा रही है, उनके पास एक कुत्ता है, एक आदमी सिर पर टोकरा उठाए उसमें कुछ तो कुछ चीज है वो भी वहां से जा रहा है। अभी कपड़े, वो घर के बाजू में एक रस्सी लटकाई है उसके ऊपर कपड़े सूख रहे हैं। वहां लिखा है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ग्राम मतलब छोटा गांव, जो स्वच्छ रहेगा, सफाई जहां रहेगी वहां ही उनका
स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो वहां स्लोगन लिखा है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। और क्या है, एक लड़की अपने माँ के पास खड़ी है, एक औरत अपने बेटी को लेकर चारपाई पर बैठी है, और बहुत सारे गांव में पेड़ है। आजकल तो हमको पेड़ की आवश्यकता तो हमने बहुत जान ली है कि वो पेड़ लगाना, पेड़ की रक्षा करना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो ये गांव भी इतना अच्छा है, सुंदर है, तो वहां उन सबने बहुत सारे पेड़ भी लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये सब में देखकर बीच बीच में बिजली के खंभे हैं, मतलब गांव में बिजली भी आई है, और यही गांव का धीरे धीरे और विकास हो रहा है, ऐसा हम गांव का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। शुरू से हमने शुरू किया, अब आखिरी में ये जो लेडी बैठी है चारपाई पे, वहां तक हमने गांव का पूरा चित्र का वर्णन किया, ठीक है। अब दूसरे जो दूसरी इकाई लिखी है, देखो पेज नंबर 27 निकालो, बाजू का ही पेज है, वहां हमें शहर दिखाया गया है। अब वो चित्र का भी हमें वर्णन करना है। देखो शहर के चित्र में कई मंजिले आलीशान मकान दिखाए गए हैं। गांव में इतने बड़े बड़े मकान थे क्या? नहीं। फ्लैट सिस्टम थी क्या? नहीं। लेकिन बड़े जो शहर होते हैं वहां मकान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और फ्लैट स्कीम भी बहुत ज्यादा मंजिल वाले फ्लैट स्कीम भी दिखाई देते हैं वहां। यहाँ भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं चित्र में, मकान सड़क के किनारे बने हुए, बड़ी बड़ी सड़कें होती है, रास्ते बड़े साफ सुथरे अच्छे होते हैं। हमारे नागपुर में भी बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनी है, तो वैसे ही ये शहर में बनाई है। शुद्ध हवा, पानी, तंत्र, स्वस्थ जीवन का यही मंत्र, अच्छी हवा रहेगी, शुद्ध पानी रहेगा, और ये सब रहेगा तो क्या होगा, स्वस्थ जीवन भी रहेगा। और हर एक मकान, हर एक फ्लैट अलग अलग आकार के है। मकानों की छत पर पानी की टंकियां है, दिखाई दे रही है आपको, और ये आपको पता है आपके फ्लैट के ऊपर भी या मकान के ऊपर भी पानी की टंकी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, टॉयलेट में, वॉश बेसिन में, लेटरिन में, सब जगह हमें नल चाहिए। हम बकेट से पानी लेकर डालते नहीं, और घर में हर जगह नल, मतलब जहाँ जरूरी है वहां नल होता है। गांव में ऐसे नहीं होता, वो गांव में स्टोर करके रखते हैं पानी, और फिर वहां से बकेट से सब काम कर लेते हैं। कपड़े भी धोना है तो हम तो क्या, शहर वाले लोग नल चालू कर देते हैं, उसके नीचे एक बड़ा सा बकेट या कुछ रख देते हैं, और उसमें से पानी ले लेके कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में स्टोर करके रखते पानी, टंकी भी नहीं होती, वो स्टोर जो पानी होता है वो बकेट से लेकर हम अपना पूरा काम कर सकते हैं। नहाने के लिए भी बकेट से पानी जाना पड़ता है, और शहर में क्या होता है, शॉवर होता है, नल होता है, बाथरूम में बकेट लगा दो, नल खोल दो, तो पानी अच्छे से अपने को मिल जाता है। शहर की सड़कें चौड़ी, सुंदर और साफ सुथरी है। गांव के रास्ते भी लोग अच्छे से रखते हैं, लेकिन जैसी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें शहर में है वैसी गांव में नहीं होती। यहाँ देखो पैदल चलने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है, लोग वहीं से पैदल चलने वाले लोग क्रॉस कर सकते हैं। ट्रैफिक में से क्रॉस करना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे से हम क्रॉस कर सकते हैं। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। आपको पता है नागपुर में बुटीबोरी या एयरपोर्ट से बुटीबोरी की तरफ जो पुल बना है नया, चीज भवन के पहले बोलो, तो उसमें इतनी सुंदर प्रकाश व्यवस्था की गई है कि रात में आप जरूर जाके देखो, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, बहुत सारी सुंदर प्रकाश व्यवस्था की है।
रास्ते पर भी दोनों तरफ प्रकाश आना चाहिए, इसलिए बड़े बड़े लाइट्स लगाए गए हैं। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था शहर में रास्ते पर होती है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। एक जगह बल्ब लगाया है तो बहुत दूर तक इतना वो पावरफुल होता है कि बहुत जगह पर उसका प्रकाश फैल जाता है। सड़कों पर बस, कार, दुपहिये तथा रिक्शा दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको चित्र में देखो, डबल बस भी है, कार भी है ना, टू व्हीलर भी है। तो लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं, शोरूम से निकल रहे हैं, ऑटो रिक्शा भी है। दिखा आपको, सब देख लो और फिर आपको उसके ऊपर सेंटेंस लिखना है। एक बस एक मंजिल और दूसरी बस दो मंजिल वाली है। देख, एक बस तो है जो सिंगल स्टोरीड है और ये डबल स्टोरी बस है। चित्र में दो बस स्टॉप दिख रहे हैं, एक चौराहा दिखाई दे रहा है। चौराहे पर सुंदर फवारा है, पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने हुए हैं। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहे हैं। दिखे आपको सिग्नल के जो खंबे हैं, वो भी चौक में होते ही है, वो तो वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये वाहनों का नियंत्रण करते हैं। चारों तरफ से ट्रैफिक एक साथ चली तो धड़ाधड़ एक्सीडेंट होंगे, है ना, इसीलिए सिग्नल लगाए गए हैं। तो ये सिग्नल तो आपको अभी पता ही है क्योंकि आप तो नागपुर में रहते हैं। हर जगह जाने के लिए आपको सिग्नल का वेट करना पड़ता है। जहाँ जाना है उधर की बत्ती जल गई तो फिर आप जा सकते हो। इस तरह ये गांव और शहर के दो पिक्चर, दो चित्र आपके सामने है। अब मुझे लग रहा है कि अब सबके पास किताब होगी, ठीक है, तो आपको इसका निरीक्षण करना है। इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है। कल जो मैंने पढ़ाया था उसको वही लिखवाया, और आज मैंने जो पत्तों के नाम बताए हिंदी और मराठी में, ये पेज नंबर 24 पर हमने वहीं से पेंसिल से प्राणी और उनके घरों को जोड़ दिया था। आज पत्तों के नाम हिंदी मराठी में वो भी हमने वहीं पे पेंसिल से लिखे। लेकिन ये जो दूसरी इकाई वाला फर्स्ट लेसन है, गांव और शहर, ये हमें कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर लिखने है, जो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में लिख पाती, ठीक है। तो आप इसको फिर से, ये तो मैं चित्र वर्णन नहीं लिख पाऊंगी, सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लिख पाऊंगी। लेकिन ये पिक्चर पेपर में आया तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे आपको बताना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको आज करनी है। नेक्स्ट पीरियड में मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लिख दूंगी।